Hi mommies and daddies, welcome back to MomCom India. वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस के बारे में जो काफ़ी पेरेंट्स को आती है काफ़ी पेरेंट्स हमें अपने कंसर्न्स लिखते हैं कि उनके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं अभी तक खाना खाते थे सडनली खाना खाना बंद कर दिया है या उन्हें खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो खाना देखते ही मुंह उधर कर लेते हैं और वो पेरेंट्स काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं कि फोर्स्ड होके क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उनका बच्चा खाना खा ले तो वो अपने बच्चे को खाने के टाइम पे मोबाइल देना शुरू कर देते हैं या टीवी दिखाना शुरू कर देते हैं या फिर बच्चा भाग रहा होता है और भागते भागते खाना खिलाते हैं जो काफी डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में बच्चा इन सब चीजों के लिए काफी अडिक्टेड हो जाता है और भागते हुए तो खाना खिलाने से बच्चे को चोकिंग हजार भी होने के चांसेस होते हैं तो हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो करें और आपसे शेयर करें कि हमारे एक्सपीरियंस में क्योंकि अब मेरा बेटा चौदह महीने का हो गया है तो और हमने उसकी सॉलिड्स की जर्नी छः महीने से स्टार्ट करी थी तो काफी टाइम हो गया है कि वो इस जर्नी पे ऑलरेडी है तो हमारे एक्सपीरियंस में क्या ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमें बहुत मदद करी और कबीर आज की डेट में मतलब प्रॉपर दिन में तीन मील्स लेता है दो स्नैक्स लेता है अपार्ट फ्रॉम दैट वो अभी दूध भी ले रहा है बट अदरवाइज वो खाना प्रॉपर एक अडल्ट की तरह ही खाता है क्वान्टिटी डेफिनेटली कम तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में हमें मदद करी हैं और आगे आपको भी कर सकती हैं तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन

अब सही कर सकते हो या अब आपकी मदद कर सकती है क्योंकि हो सकता है कि वो करने से आपका बेबी वापस खाने की जर्नी पे आसानी से आ जाए तो मेरा सबसे पहला टिप है कि खाने की एक्टिविटी को बच्चे के रूटीन में एडजस्ट करना हम सब जानते हैं कि बच्चों को रूटीन में आना कितना अच्छा लगता है बच्चे हर चीज को एक रूटीन के साथ एसोसिएट करते हैं और उसी तरह से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं आप जितना उस चीज को मजेदार बनाओगे बच्चा भी उसमें इतना इंटरेस्टेड आप जितना उस चीज को फोर्स करोगे या कभी भी करोगे तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है इसीलिए बहुत जरूरी है कि खाने की एक्टिविटी भी एक रूटीन रूटीन हो और से मेरा मतलब ये है कि चाहे आप जब आप जर्नी शुरू करते हो तो आप दिन में सिर्फ एक मील देते हो तो चाहे आप एक ही मील दे रहे हो बट कोशिश करो कि हर रोज आप ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उसको वो मील दो कोशिश करो कि वो जो मील है आप उसे एक प्रॉपर फीडिंग इक्विपमेंट में दो यानी कि जैसे चेयर हो गई टेबल हो गया फो, फोक हो गया स्पून हो गया प्लेट हो गई जो भी आप अपने बेबी के लिए यूज़ करना चाहो ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा उन चीज़ों को देखते ही समझने लगे कि ये मेरे खाने का टाइम हो गया है बच्चों को ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है वो बहुत स्मार्ट होते हैं और वो रिलेट कर लेते हैं हर एक्टिविटी को तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप रूटीन में ये चीज़ करोगे तो बच्चा भी उस एक्टिविटी को समझेगा और उस एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा मेरा दूसरा टिप ये है कि फीडिंग इक्विपमेंट ज़रूर यूज़ करें बहुत ज़रूरी है कि बच्चा प्रॉपरली एक चेयर पे बैठ के टेबल पे ढंग से खाना खाए ताकि चोकिंग की उसे कोई प्रॉब्लम ना हो उसे कंफर्ट रहे बच्चों को खाने में पंद्रह मिनट आधा घंटा पौना घंटा भी लग जाता है और इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको एक कम्फर्टेबल जगह पर बिठाना जहाँ पर बच्चे के इधर उधर भागने की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो और उसे भी उतनी देर बैठने में वहाँ पर कम्फर्ट मिले अगर आप बच्चे को गोदी में बैठ के खिलाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली पाँच सात मिनट बाद इधर से उधर भागने की कोशिश करेगा क्योंकि वो कंफर्टेबल ही नहीं होगा हम जो यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैं आपको बता सकती हूं कि फीडिंग इक्विपमेंट जब आप एक प्रॉपर तरीके से बच्चे को खाना सिखाते हैं तो उसको टेबल मैनर्स भी आती हैं और बच्चे का एक एसोसिएशन भी बनता है आज की डेट में भी कबीर जैसे ही अपनी फीडिंग चेयर देखता है उसको पता होता है कि ये मेरे खाने का टाइम हो गया है तीसरा टिप है सही टाइम पे खाना इंट्रोड्यूस करना अब हम सब जानते हैं कि नॉर्मल गाइडलाइन जो है वो ये है कि छः महीने से हमें बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करना चाहिए बट मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आपका बच्चा कब साइंस दे रहा है कि वो खाने के लिए तैयार है मैंने इस पर एक अलग से वीडियो किया है तो वो जाके ज़रूर देखो क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम बच्चे कुछ पेरेंट्स को बहुत ही ईगरनेस होता है कि चार महीने से ही बच्चे को खाना दे और कुछ पेरेंट्स सात सात महीने तक भी नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि अभी उनका बेबी तैयार नहीं है यह एक पेरेंट और बच्चे के बीच में असेसमेंट है अगर आपको लग रहा है कि पांच महीने पे आपका बच्चा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए तो वो टाइम है वो ही है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करो और उसको खाने की जर्नी में इंक्लूड करो अगर आप बहुत लेट कर दोगे तो शायद आपके बच्चे को उस एक्टिविटी में और इंटरेस्ट ना रहे अगर आप बहुत जल्दी कर दोगे अभी बच्चा तैयार ही नहीं है तो हो सकता है कि आपका बच्चा उस चीज को कंप्लीट रिजिस्ट करे क्योंकि अभी तक उसकी क्यूरियोसिटी या जिसे बोलते हैं कि मतलब उसकी इच्छा बनी ही नहीं थी कि वो खाना खाए तो सही टाइम पे खाना इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी में मैं आपको ये भी एक बताऊंगी कि हर खाने का एक टाइम होता है अगर आप कोई ऐसा खाना जो लेट इंट्रोड्यूस होना चाहिए उसे बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के लिए उस खाने को खाना ही मुश्किल कर रहे हो जिसका एंड क्या होगा कि बच्चा ठीक से खाएगा नहीं और आप एज अ पेरेंट इस वरी में चले जाओगे कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो टाइमिंग हर खाने को इंट्रोड्यूस करने का बहुत ज़रूरी है मेरा अगला टिप है सही खाना सही स्टेज पर इंट्रोड्यूस करो मैं आपको बताती हूँ जब हम कबीर की जर्नी स्टार्ट करने वाले थे तो नॉर्मल हमें जो रिकमेंडेशन मिलता था वो मिलता था कि दाल का पानी से शुरू करो या चावल के पानी से शुरू करो और हमें काफ़ी क्वेश्चन होता था कि ऐसा क्यों अभी तक बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है या फॉर्मूला ले रहा है जो थोड़ा स्वीटर है एकदम पतला है और सडनली हम उसे कोई ऐसी चीज़ देंगे जिसमें कोई टेस्ट नहीं है क्योंकि आप नमक नहीं डाल सकते हो आप चीनी नहीं डाल सकते हो तो कोई टेस्ट नहीं है तो बच्चा उसे कैसे खाएगा तब हमने काफ़ी रिसर्च करी और हमें पता चला कि एक्चुअली जो बच्चे का पहला खाना होता है वो ज़रूरी नहीं है कि चावल का पानी या दाल का पानी हो उसमें बहुत सारे वेराइटी जो फ्रूट्स के हैं वो भी कंसिडर होते हैं और वेजिटेबल्स के हैं वो भी कंसिडर होते हैं इस पर मैंने एक अलग वीडियो किया वहाँ पर जाके वो लिस्ट देख सकते हो बट एक्चुअली ये रिसर्च में बताया गया है कि जब आप बच्चे को क्योंकि वो अभी तक स्वीट मीठे ब्रेस्ट मिल्क पी रहा है तो आप कुछ मीठे से शुरू करते हो जैसे केला हो गया या सेब हो गया ऐसी चीजों से शुरू करते हो तो बच्चे के लिए वो खाना जो है इजी होता है बच्चा को टेस्ट आता है और बच्चा खाने की एक्टिविटी सही सही को इंजॉय करने लग जाएगा अगला मेरा टिप है क्वांटिटी ऑफ फूड यानी कितना खाना बच्चे को खाना चाहिए देखिए इस पर कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि इस एज के बच्चे को इतना खाना चाहिए जैसे हम लोग हैं हम हमारे साथ ये मतलब कभी दिन में ऐसा होता है कि हमारा मन करता है लंच में दो चपाती खा ली किसी किसी दिन मन करता है एक चपाती खा ली किसी दिन चार भी खा लेते हैं हमारी बॉडी जैसे हमें एक अलग डिमांड बताती है कि उसको कितना खाना है वैसे बच्चों की बॉडी भी उनको डिमांड और सप्लाई एडजस्ट करना सिखाती है उनकी बॉडी भी ये बच स्टॉप लगा देती है जब उनको खाना और नहीं खाना होता है और उनका पेट भर जाता है इसीलिए बच्चे ने अगर एक मील में दो चम्मच भी खाया या छः चम्मच खाया आप उसके बेस पर जज मत करो कि आपका बच्चा ठीक से खाना खा रहा है या नहीं बच्चे की हेल्थ को जज करने का तरीका होता है उसका वेट गेन और उसका एक्टिविटी लेवल ना कि वो कितना खाना खा रहा है जब तक आपका बच्चा एक रूटीन में हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा रहा है okay. जैसे ही हम parents, ये सोच लेते हैं कि ये एक साल का बच्चा है और इसे चार चम्मच खाना ही चाहिए और हम वो चार चम्मच फीड कराने के पीछे एक एक घंटा बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं बच्चे का वही इंटरेस्ट खाने से जो है उठ जाता है अगला टिप मेरा है फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार बच्चे को खाना देना चाहिए देखिए सॉलिड्स जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा बोला जाता है कि धीरे धीरे सॉलिड्स को बढ़ाइए इसके कुछ रीज़न ये है कि एक तो बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा चेंज है सडनली सॉलिड्स की जर्नी पे आना उसके पेट के लिए उसके खाने के तरीके के लिए हर चीज़ के लिए बहुत बड़ा चेंज है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में इसीलिए जब आप सॉलिड स्टार्ट करें तो हमेशा पहला स्टार्ट करें एक मील से धीरे धीरे उसे एक मील एक स्नैक कर दें फिर दो मील एक स्नैक दो मील दो स्नैक और फाइनली तीन मील और दो स्नैक्स जैसे हम खाते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीन मील हो गया और दिन में दो स्नैक्स हो गया जिससे कि बच्चे का पेट भी आराम से भरेगा ये जो पूरा इंक्रीज है ये करने के लिए आपके पास टाइम है जब भी आप शुरू करो लगा लीजिए छः महीने से लेकर दस से ग्यारह महीने तक आपके अगर स्लो एंड स्टडी करेंगे तो बच्चा ईजिली इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेट कर लेगा और वह आराम से खाना जो है अपना इंजॉय करेगा बहुत बच्चे को शुरू में ही जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि सॉलिड स्टार्ट करने का मतलब है कि बच्चे को पूरा दिन सिर्फ सॉलिड खाना चाहिए वो सबसे बड़ी गलती है क्योंकि वहीं पे आप बच्चे को बिल्कुल ऑफ़ कर रहे हैं इस खाने की एक्टिविटी से क्योंकि बच्चा इस एक्टिविटी को इतना समझ ही नहीं पा रहा है अगला मेरा टिप है कि डिस्ट्रैक्शंस को बच्चों से दूर रखिए। देखिए हम सब जानते हैं कि टीवी मोबाइल ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जैसे ही बच्चा कुछ स्क्रीन में देखना शुरू करता है या गाने वगैरह सुनना शुरू करता है तो बहुत एक खो से जाते हैं बच्चे उनमें क्योंकि उनके लिए बहुत ही नई चीज है इन सब चीज़ों से आप बच्चे को जितना दूर रखेंगे उतना ही आप बच्चे को फोकस करने देंगे या समझने देंगे कि खाना एक क्या एक्टिविटी है खाने के बारे में जानने देंगे और खाने को इंजॉय करने देंगे ये करना बहुत ज़रूरी है आप जितना इन डिस्ट्रैक्शन में गिव इन कर देंगे उतना ही आगे जा आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं अडिक्टेड हो जाते हैं वो अपना मुँह भी नहीं खोलते हैं जब तक आप उन्हें टी या मोबाइल नहीं दिखा दो जिससे पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट तरीका है कि खाने के टाइम में बच्चे के साथ बॉन्डिंग करना आप खुद राइम्स गाइए खुद बच्चे से बातें कीजिए उसको आसपास की चीज़ें बताइए जो भी आपका तरीका है अपने बच्चे के साथ बॉन्ड करने का हम जैसे एक चीज़ जो करते हैं जब जैसे थोड़े टाइम बाद बातें वगैरह करने के बाद जब हमें लगता है कबीर थोड़ा डिस हो रहा है तो हम उसको बुक्स दे देते हैं क्योंकि वो बुक्स बहुत लाइक करता है तो बुक्स से हम एक दूसरे से बात भी करते हैं लर्निंग एक्टिविटी भी होता है और हम साथ में इंजॉय भी करते हैं आपको बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो आपके बच्चे को उस चेयर में बिठा के रखेगी जब तक आप उसको खाना खिला रहे हो और वो एक्टिविटीज़ टीवी और फ़ोन ना हो इस चीज़ का आपको शुरू से ही ध्यान रखना है मेरा अगला टिप जो बहुत ही मुश्किल होता है काफ़ी पेरेंट्स के लिए भी बट बहुत ही काम करता है वो है बैकअप रखना शुरू में छः से छः महीने से एक साल के लिए हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े बट ये करने से आप इंश्योर करोगे कि आपका बच्चा खाना खा रहा है बैकअप से मेरा मतलब है कि आप जो भी एक का जब आप बच्चे को मील दे रहे हो समझ लीजिए लंच दे रहे हो आप जो भी देने वाले हो उसका एक बैकअप ज़रूर रखिए इससे क्या होता है कि अगर बच्चा एक चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता काफ़ी बार बच्चों का टेस्ट होता है या बच्चे को टीदिंग हो रही होती है या बच्चे का को मन ही नहीं करता वो चीज़ खाने का टेक्स्चर की वजह से किसी भी रीज़न से तो दूसरी चीज़ जब आप उसे देते हो तो वो सडनली जो है वो काम कर जाती है और बच्चा वो खाने में इंटरेस्टेड हो जाता है तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपके पास ऑपर्चुनिटी थी उसको खाना खिलाने की वो आपकी पूरी हो गई है और ऐसा नहीं होगा कि बच्चा जो है खाली पेट रह गया और आपको उसे दूध या बिस्किट या कुछ देना पड़ गया तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बैकअप्स रखना कबीर के केस में मैंने ये काम करते हुए बहुत देखा है और मैं आपको बता रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है मेरा अगला टिप है गैप बिटवीन द फीड्स दो मील्स के बीच में अच्छा खासा गैप होना जरूरी है और बहुत जरूरी है कि दो मील्स के बीच में बच्चे की काफ़ी एक्टिविटी हो होता क्या है कि काफ़ी पेरेंट्स ना घड़ी देख के बच्चे को खाना खिलाते हैं कि उसने ब्रेकफास्ट जो था नौ बजे किया था अब ग्यारह बज गए हैं अब उसको कुछ खाना चाहिए बट होता क्या है कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता बच्चे धीरे 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 अपनी एक्टिविटीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं अगर वो जो एनर्जी उन्हें खाने से मिली है उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे या बर्न नहीं कर पाएंगे तो उन्हें दोबारा भूख लगने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर बच्चे से एक्टिविटी कराएं उसको अच्छे से खेलने दें उसको मसाज करें उसको नहाने दें डिपेंडिंग ऑन बच्चे की क्या एज है और फिर उनको खाने के लिए बिठाएं खाने में बहुत ज्यादा गैप भी ना हो बट बहुत कम गैप भी ना हो नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे को कोई इंटरेस्ट खाने में आएगा ही नहीं मेरा अगला टिप है स्नैक्स बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है ये करते हुए कि ये सोच के कि मेरे बच्चे को भूख लग रही है या उसको और खाना खाना चाहिए या और न्यूट्रिशन खाना चाहिए तो वो मील्स के अलावा स्नैक्स में भी बच्चे को हैवी चीज़ें दे देते हैं जैसे पूड़ा बना के दे दिया या ओट्स का कुछ बना के दे दिया पोहा बना के दे दिया उपमा बना के दे दिया कुछ भी ऐसी चीज़ मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि स्नैक्स को ना हमेशा रखो फ्रूट्स के लिए बच्चे के लिए फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है फ्रूट्स ईजी होते हैं खाने के लिए फ्रूट्स डिलिशियस होते हैं यमी होते हैं फ्रूट्स में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और हर किसी को डेली एक डोज ऑफ फ्रूट जरूर खाना चाहिए तो बेस्ट तरीका है कि स्नैक्स को आप फ्रूट्स में डिवाइड कर दो उससे बच्चे का पेट भी जल्दी से भरेगा और वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा तो जो बड़ी मील बच्चा खाने वाला है जो लंच होगा या डिनर होगा उसके लिए उसकी भूख जो है वो बनी रहेगी और मेरा आखिरी टिप जो मैं जनरली भी हमेशा देती रहती हूँ वो है पेशेंस एंड परसिस्टेंस पेरेंट का दूसरा नाम ही पेशेंस है आपने लगे रहना है गिव अप नहीं करना है बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे जब सब कुछ ठीक चल रहा है और सडनली आप देखोगे कि आपका बच्चे का खाने में इंटरेस्ट चला गया है हो सकता है उसे टीदिंग हो हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो हो सकता है उसने एक बड़ा माइलस्टोन हिट किया जैसे वॉकिंग हो गया क्रॉलिंग हो गया इन सब सिनारी में बच्चे का खाने से थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो हट जाता है बट एज़ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेशेंट रहो और लगे रहो रिपीटेडली आप रूटीन जो है बच्चे उसको फॉलो करते रहो अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो जो आप खाना उसे दे रहे हो उसको टोटली चेंज करके देखो अगर आप उसको टीदिंग हो रही है तो आप जो उसको नॉर्मल फूड दे रहे हो उसकी जगह थोड़ा टेक्स्चर फूड या फिंगर फूड उसको देने की कोशिश करो तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि बच्चा जो है वो कम्प्लीटली खाने से अवे नहीं हो जाएगा उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स लगे हुए हैं और वो वापस उस एक्टिविटी में आके इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपने पेशेंस रखना है आपने गिव अप नहीं करना है तो ये थे मेरे टिप्स आपकी प्रॉब्लम के आई होप इनमें से किसी ना किसी को यूज़ करके आपको ज़रूर मदद मिलेगी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये असेस करना कि बच्चे की हेल्थ कैसे डिफाइन होती है बच्चे पहले साल में जिस स्पीड पे वेट गेन करते हैं वो दूसरे साल में और तीसरे साल में नहीं करते हैं डेफिनेटली वो जो वेट गेन है वो स्लो हो जाता है फर्स्ट ईयर में अगर बच्चा दस से बारह किलो वेट गेन कर रहा है तो सेकेंड ईयर में वो तीन से चार किलो भी कर ले तो भी बहुत माना जाता है इसीलिए प्लीज ये अज्यूम मत करो कि बच्चे ने इतना खाना नहीं खाया है तो इसका मतलब आपका बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है बच्चे की बॉडी को जितनी जरूरत है वो बच्चा अपने आप दिन में आप जितना उसको फूड दे रहे हो और अपने आप एडजस्ट करके उसको पूरा कर लेगा ऐसा नहीं है कि बच्चे को भूख लगेगी तो वो खाना नहीं चाहेगा या नहीं मांगेगा आपने सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी और राइट खाना अपने बच्चे को देना है दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है क्योंकि आपका बेबी है तो जो आप खाना खाते हो वो ही आपके बेबी को पसंद आना चाहिए हर बच्चे का टेस्ट बहुत अलग होता है उसकी एज के हिसाब से उसकी लाइकिंग जो टेक्स्चर की होती है वो बहुत अलग होता है तो हो सकता है आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़े डिफरेंट फूड्स के साथ जिसके लिए यूट्यूब पर रेसिपीज भरी हुई हैं आप वो कोई भी देख सकते हो गूगल से देख सकते हो बट डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस अपने बच्चे के साथ करो और परेशान तभी हो अगर आपका बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है वो लिथार्जिक है अपनी एज के हिसाब से वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है और प्लस वो खाना नहीं खा रहा है क्योंकि तब हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ और ही हो तो अपने डॉक्टर को वो असेस करने दो आप परेशान मत हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना कॉमेंट डेफिनेटली करते ही रहना और हमें एनकरेज करते रहो मॉमकॉम इंडिया को सब्सक्राइब करके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोमकॉम इंडिया